साथियों, काशी के लिए, पूर्वांचल के लिए, पूर्वी भारत के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज वाराणसी और देश विकास के उस कार्य का गवाह बना है जो दशकों पहले होना जरूरी था लेकिन नहीं हुआ। आज वाराणसी और देश इस बात का भी गवाह है कि संकल्प लेकर जब कार्य समय पर सिद्ध किए जाते हैं तो उसकी तस्वीर कितनी भव्य होती है, कितनी उज्जवल होती है, कितनी गौरवमयी होती है। आज वाराणसी और देश इस बात का भी गवाह बना है कि नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी अवधारणा कैसे देश में ट्रांसपोर्ट के तौर तरीकों का कायाकल्प करने जा रही है। देश का प्रधान सेवक होने के साथ ही वाराणसी का सांसद होने के नाते मेरे लिए आज दोहरी खुशी का मौका है। इस पवित्र भूमि से हर किसी का आध्यात्मिक संपर्क तो है ही, आज जल, थल, नभ तीनों को ही जोड़ने वाली नई ऊर्जा का संचार इस क्षेत्र में हुआ है। साथियों, अब से कुछ देर पहले मैंने नदी मार्ग से पहुंचे देश के पहले कंटेनर वेसल का स्वागत किया। इसके स्वागत के साथ ही 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने मल्टी मॉडल टर्मिनल का लोकार्पण भी किया गया है। इस काम में दशकों लग गए लेकिन आज मैं प्रफुल्लित हूं, आनंदित हूं कि देश ने जो सपना देखा था वो आज काशी की धरती पर साकार हुआ है। ये कंटेनर वेसल चलने का मतलब है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और पूर्वी भारत जल मार्ग से अब बंगाल की खाड़ी के साथ जुड़ गया है।